कह रही हैं आंचल इज द वर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ एमएसके. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? पूजा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार आप किसी को पसंद करते हो नहीं करते हो ठीक है, लेकिन वर्स्ट, हेट, ये दो तीन ऐसे शब्द ना जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. दे आर वेरी वेरी हार्श एंड वेरी रूड वर्ड्स, और उसके पीछे मतलब बहुत होता है. हेट इज लाइक वेरी बिग थिंग. वर्स्ट कह देना इज सो बैड. ऐसा नहीं है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम हाइपर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाती है. अगर आप शहनाज की भी फैन हो तो वो भी मेरे पे हाइपर होती है, लेकिन शहनाज के फैंस को ये भी तो दिखना चाहिए ना कि शहनाज को इस तरह दोस्ती भी कर ली, बिकॉज उसको बातें पता लगी. तो वर्स्ट कहना सरासर गलत है, और हम ना ही हेटरेट फैलाएं तो अच्छी बात है. एंड शी इज नॉट वर्स्ट, नोबडी इज वर्स्ट आई मस्ट से इन दिस वर्ल्ड. वो कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ों की वजह से हो जाता है. पूजा, डोंट बी सो बैड टू पीपल. ओके, जय केवड़िया पूछ रहे, टेल अस फाइव पॉजिटिव थिंग अबाउट शहनाज गिल. आई हैव टू से फाइव पॉजिटिव थिंग्स अबाउट शहनाज. ओके, आह, शी इज वेरी अ पॉजिटिव पर्सन, हैप्पी, शी इज मैच्योर एज वेल, और एट द सेम टाइम वो बच्ची भी है. और बचपन आई थिंक जाना भी नहीं चाहिए किसी भी इंसान से, वो ही एक ऐसी चीज़ें जो आपको जिंदा रखती है. एंड द लास्ट, आई थिंक शी इज वेरी इमोशनल. दैट्स द फाइव क्वालिटीज, पॉजिटिव थिंग्स ऑफ